तो जय भीम दोस्तों, आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक भारतीय पेशेवर क्रिकेटर है, वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर है। व्यापक रूप से वह सबसे शानदार विकेट कीपर, बल्लेबाजों और कप्तानों में से एक है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का 2007 से 2017 तक सीमित ओवरों के, 2008 से 2014 तक टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। वह सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले और सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप, 2007 आईसीसी विश्व 20 और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सीमित ओवर टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक ट्रस्ट में भाषण देते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ जाएंगे। मेरी आपसे एक ही विनंती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार हर व्यक्ति तक पहुंच सके। महेंद्र सिंह धोनी ने भाषण में कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी मेरे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत है। उनकी मेहनत और लगन से जो उन्होंने सफलता प्राप्त की, वह मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर एक सीख सीखी है कि चाहे कितने भी मुसीबतें आए या कितनी भी मुश्किल आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और उस मुश्किल का हिम्मत से सामना करना चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल भारतीय समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्होंने समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की मौद्रिका भी स्थापित की। उनके विचारों ने न केवल आपसी विभाजनों को समाप्त किया, बल्कि एक समृद्ध और समरस समाज की दिशा में कदम बढ़ाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान विभाजन और उत्पीड़न के खिलाफ समर्थन करने वाले हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उनकी उपदेशों ने हमें यह सिखाया है कि शिक्षा और समाज में अवसरों की सामाजिक न्याय से, युक्ति से भरा होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा संरचित भारतीय संविधान ने हमें समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करने का मार्ग दिखाया है। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति और समाज को मजबूती और समृद्धि की दिशा में फैल करने में मदद की है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जीवन भर समर्पित सेवा की है और उनकी शिक्षा, विचारशीलता और साहस की भावना हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित करती है। उनकी आत्मकथा ने हमें यह सिखाया है कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयों में भी हमें साहस और समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रेरणा स्थान रहेंगे और हमें उनके उदाहरण से सीख मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर कूल के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। वे एक ऐसे शहर से क्रिकेट की दुनिया में आए जहां से पहले कोई नहीं आया था, क्योंकि छोटे शहरों के लोगों का टीम इंडिया में शामिल होना अब भी एक बड़ी बात है। उन्हें विकेट के पीछे के हुनर से ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए टीम में शामिल किया गया। छोटे शहर से निकले इस खिलाड़ी के मैदान पर स्वभाव ने उसे भारत का कप्तान बना दिया। मैदान में किसी भी स्थिति में वह कूल रहते थे। धोनी भारतीय टीम के एक महान खिलाड़ी हैं। उनकी महानता को ऊपर दिए गए आंकड़ों की सहायता से साबित किया जा सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 16 शतकों और 131 अर्धशतकों की मदद से लगभग 21,699 रन बनाए हैं। देखते हैं कि वह कब तक देश के लिए खेलना जारी रखते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें भी उनसे यह सीखनी चाहिए कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और उन्हें पार करना हमारी स्थिति को मजबूत बना सकता है। हमें कभी भी उथल पुथल में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी एक ऐसे महापुरुष की गौरवशाली यात्रा है जिसमें सीमाओं को पार करने का संघर्ष, अडिग दृढ़ता और एक अद्वितीय आत्मा का साहस छुपा होता है। हम जब भी आम्बेडकर जी की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं, तो उनके समय की अद्वितीय परिस्थितियों के बावजूद भी उनके आत्मनिर्भरता
और समर्पण का सार मिलता है। उनके आरंभिक दिनों से ही आंबेडकर जी ने जातिवाद के कठोर तत्वों का सामना किया। होने वाले अन्य व्यक्ति की आत्मा को भूमिगत स्थानों से बहुतंत्री विद्या प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, फिर भी उन्होंने कभी भी निराशा का सामना नहीं किया। उनका जीवन उन कठिनाइयों के सामने से नहीं झुका, बल्कि उन्होंने इन्हें पार करने के लिए एक मार्ग बनाया जो न्याय, समानता और गरिमा की दिशा में बढ़ता गया। भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार के रूप में बाबा साहेब ने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संविधान को इतना संरचित किया कि इसमें न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पूरा परिचय होता है। उनका अथक प्रयास और निरंतर संघर्ष दिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी मुख मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रतिबद्धता ने केवल कानूनी और संवैधानिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी रौंगत भरी। उन्होंने निर्धन और अवर्गीय वर्गों के लिए आरक्षण, अस्पृश्यता की समाप्ति और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बढ़ोतरी की। उनके प्रयासों से हम यह सीखते हैं कि समाज में अद्वितीयता के खिलाफ संघर्ष करने का महत्व है और हमें भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आंबेडकर जी के भेदभाव और पूर्वग्रह के खिलाफ संघर्ष को विधिक युद्धों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक निरंतर बौद्धिक अभियान में भाग लिया जो समाज में आपसी संबंधों को स्थायी रूप से बदलने की कोशिश कर रहा था। उनके उपदेश से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा हमें उज्ज्वलता की ओर बढ़ाने के लिए शक्तिशाली औजार है। अंबेडकर जी के शिक्षाओं से हमें सीखने को बहुत ज्यादा है। उनका संघर्ष, उनकी दृढ़ता और उनकी समर्पणशीलता हमें यह दिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना करना केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें यह सीखना चाहिए कि चुनौतियों को एक नई संभावना के रूप में देखना और उनको पार करना हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हम सभी को बाबा साहेब आम्बेडकर जी के उपदेशों से प्रेरित होकर एक समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में एक सकारात्मक योगदान देने का संकल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।